तो चलो भाई अभी गाड़ी देते हैं भाई के पास, भाई घूम के आ रहे हैं, मैं भी घूम के चलता हूँ और फिर देखते हैं भाई क्या करते हैं क्या नहीं। चलो भाई, तो ये रही भाई अपनी गाड़ी। सो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है भाई एक और नए वीडियो में। तो आज आपका भाई फिर से वीडियो लेके आ चुका है आपके लिए, और आज का जो वीडियो भाई ये बहुत स्पेशल रहेगा क्योंकि आज मैं गाड़ी में अकेला नहीं हूँ। आज मेरे साथ मेरे भाई हैं, एक वो नेपाल से आए हैं, अभी नए नए आए हैं, उन्हें एक मंथ हुआ है यहाँ पे आए हुए को, और वो भी ट्रकिंग में आए हैं, ट्रक ड्राइवर में आए हैं, वो भी यहाँ पर भाई ट्रक चलाएंगे। तो आज उनको मेरे साथ भेजा है, मतलब मुझे बोला गया है कि उनको ट्रक सिखाना। वैसे तो चलो उन्हें ट्रक चलाना आता ही है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है उनका नेपाल में, और बाकी तो ये होता है कि उनको बस गाड़ी का सिस्टम दिखाना होता है कि गाड़ी कैसी है, और जैक वगैरह उठाना होता है ना, गियर सिस्टम उठाना होता है, अदरवाइज़ तो सारा का सारा कुछ सेम ही होता है, आपको पता ही है ना। तो बस भाई आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ बातें करेंगे भाई से, वो भी आपको दिखाएंगे, भाई से भी मिलाते हैं आपको, पहले थोड़ा काम कर लेते हैं ना, फिर आपको मिलेंगे। और जो भी नेपाली भाई हैं नेपाल से मुझे मैसेज करते हैं भाई कि कितना पैसा लगता है नेपाल से, या यहाँ पर क्या क्या सिस्टम है, या जो मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ वो सही भी है या नहीं है, तो वो आज आपके सामने सारी की सारी बताएंगे, भाई के साथ बात करेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि भाई मुझे पहली बार मिल रहा है, मतलब भाई ने मुझे बताया कि भाई ने मेरी वीडियोस देख रखी है, भाई देख रखी है ना, देखी है हाँ, तो भाई ने मेरी वीडियोस ऑलरेडी देख रखी है, तो आज आपके सामने सीधा बात कर पाऊँगा। पहले काम पे देखो भाई, अभी काम पे है, मैं हूँ और मेरे भाई हैं, अभी आपको मिलाते हैं इनसे, बस पहले एक दो चक्कर लगा लें फिर भाई से मिलाते हैं, बाकी आपको दिखाते हैं। ये भी आपने मेरी पीछे वीडियो में देखा ही होगा कि मैं यहीं पे ही काम कर रहा हूँ ना, तो पहले सुबह सुबह काम कर लेते हैं एंड देन फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए भाई अभी हमारे पास टाइम है कुछ, मैंने सोचा आपको मिला देते हैं अपने भाई से, तो मिलिए भाई अपने भाई से। भाई कैसे हो? ठीक हो, ठीक। चलो आपके कैमरा नज़दीक कर ले, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बातें पूछनी आपसे ना। तो सबसे पहले भाई अपना नाम बता दूँ। मेरा नाम ओके, आप नेपाल से हो? हाँ, नेपाल से। हमारे भाई हैं जो नेपाल से हैं, 21 साल भाई इनकी एज है, और मैं ही बता देता हूँ आपको, भाई को कास्ट नहीं दूंगा क्योंकि भाई को थोड़ा हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब थोड़ा कम आता है ना, तो भाई 21 साल के हैं और 4 साल इन्होंने नेपाल में ट्रक चलाया, यही ट्रक चलाया ना, डंप ट्रक चलाया, ट्रेलर नहीं चलाया, ट्रेलर नहीं चलाया। हाँ, और ये भाई हैं जो ये ट्रेलर ड्राइवर में कुवैत में आए हैं हमारी कंपनी में, तो आपकी ट्राई हुई थी वहाँ पे, ट्रायल हुआ था जब हमारी, हुआ था। ओके ओके, इजी ट्रायल होता है, जैसे मतलब बैक लगाना होता है वैसे ही होता है ना, बैक लगवाया था ना। तो देख लो भाई, जितने भी नेपाल से मेरे भाई देख रहे हैं, भाई आपको बता रहे हैं भाई कि बैक लगवाते हैं ट्रेलर ड्राइवर में, अगर आप आओगे, अगर आप ट्रेलर ड्राइवर में आओगे तो आपको बैक लगाना होगा, मतलब ट्रायल तो आपका होगा ही होगा। तो भाई उसके बाद हमारी कंपनी का मतलब कितना टाइम लगा काम बनने में? 8 मंथ। 8 मंथ लग गया टोटल काम होते होते ना। तो भाई देख लो, 8 मंथ भाई को लग गए थे टोटल काम फिनिश होते होते को। तो भाई एक बात और बता दो कि आपके पास जो अपना नेपाल का हैवी लाइसेंस था वो ओरिजिनल था या डुप्लीकेट था? ओरिजिनल था, है ना, ओरिजिनल ही चलता है वैसे तो कुवैत के लिए। तो भाई देख लो, जो भी भाई आना चाहता ना नेपाल से, उनको भी पहले बता दूँ, मैं इंडियन भाइयों को भी पहले बता देता हूँ कि ओरिजिनल लाइसेंस चाहिए ही चाहिए कुवैत के लिए। तो भाई के पास भी ओरिजिनल लाइसेंस था और यहाँ पर आई है ये ट्रेलर ड्राइवर में। तो भाई अभी मेन बात आते हैं, आपसे कितना पैसा लिया एजेंट लोग ने? नेपाली, हाँ नेपाली में मतलब कितना पैसा लिया? 2,50,000। 2 लाख, मतलब कि आप मान के चलो इंडिया का हमारा, अगर हमारा इंडिया का 1.5 लाख रुपए लगता है इंडियन रुपीस में, तो नेपाल का भाई 2.5 लाख रुपए नेपाली रुपीस में इनका लगाए सारा का सारा खर्चा, मेडिकल भी, मेडिकल सब कुछ नहीं। अच्छा वो अलग से एक्स्ट्रा लग रहा है? अच्छा वो अलग लगा एक्स्ट्रा। अच्छा वो एक्स्ट्रा, मतलब मान के चलो कि आपका 3 लाख खर्चा, 3 लाख समथिंग क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया। तो भाई 3 लाख के समथिंग इनका जो खर्चा है वो भाई हो गया है, तो देखा जाए तो ठीक ठीक भी है, देखा जाए तो ठीक ठीक भी नहीं है। तो जितने भी नेपाली भाई है वो देख लेंगे, अगर जितना भी कम करवा सकते हो आप, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से एजेंट को देना चाहिए 2-20 के करीब, मेरे हिसाब से मुझे लगता है इतना आपको देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं जो ये वीज़ा होते हैं ये फ्री वीज़ा होते हैं, ये कंपनी वीज़ा देती है, लेकिन जो ये एजेंट लोग हैं ये अपना पैसा ऊपर से छापते हैं, ठीक है, ये बात कोई नहीं बताता, लेकिन मैं ये आपको बात बता रहा हूँ।
ठीक है। और तो और जो फ्लाइट की टिकट भी होती है भाई, वो भी कंपनी ही करवा के देती है, तो एजेंट लोग सिर्फ उनका फाइलिंग करवाना होता है या जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनका ही वो होता है, अदरवाइज तो सारा का सारा पैसा उनका खुद का होता है। तो अभी यहाँ पर आपको आए कितने मंथ हो गए? वन मंथ हो गया भाई को, एक मंथ यहाँ पर आते हुए को हो गया है। अभी तक भाई की आईडी है वो नहीं बनी है, और भाई को यहाँ पर काम पे भेज दिया गया है, मतलब साइट पे भेज दिया गया है। और आज मुझे, आज भाई को मेरे पास भेजा है कि आप इन्हें ट्रक सिखाओगे। वैसे तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी जैसे आपको पता है कि ट्रक वगैरह का जो यहाँ पर स्टेयरिंग होता है ना, वो है ना उधर जो नेपाल में और इंडिया में तो उधर होता है, राइट हैंड साइड होता है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसकी दिक्कत आती है। बाकी जो जैक वगैरह उठाने होते हैं वो दिखाना होता है, बताना होता है, बाकी तो बंदा नॉर्मली। आपको क्या लगता है, चला लोगे आप? वैसे तो भाई ने दो दिन यहाँ पर ट्रेलर चलाया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो जो भाई ट्रेलर चला लेता है उसके लिए तो ये गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल ही है। बाकी अगर जो भी नेपाल से मुझे देख रहे हैं या नेपाली भाई मुझे देख रहा है, अगर कोई भी उनका क्वेश्चन हो तो भाई ज़रूर बताना कमेंट में, मैं वो भी कोशिश करूँगा। अगर कल मेरे साथ भाई रहे, मतलब आए मेरे साथ, तो मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो और बनाने की। बाकी देखते हैं, अभी भाई को गाड़ी दूंगा मैं, एक दो चक्कर लगाऊंगा, उसके बाद भाई के पास गाड़ी दूंगा, फिर देखते हैं भाई गाड़ी कैसी चलाते हैं कैसी नहीं चलाते हैं। ठीक है भाई, तो अभी काम कर लें एंड देन फिर मिलते हैं। तो चलो भाई अभी गाड़ी देते हैं भाई के पास, भाई घूम के आ रहे हैं, मैं भी घूम के चलता हूँ, और फिर देखते हैं भाई क्या करते हैं क्या नहीं। चलो भाई, तो ये रही भाई अपनी गाड़ी, अभी चलते हैं एंड देन फिर देखते हैं ना। अपने हिसाब से ठीक कर लेना भाई, ठीक है ना, सारा कुछ देख लेना क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हाँ तीसरे पे डालो पहले, हाँ डायरेक्ट तीसरे से चल पड़ता है धीरे धीरे। हाँ इसको उठा के ऊपर को उठा के, हाँ धीरे धीरे क्लच छोड़ो और जाने दो आराम से। तो लो भाई, अपने भाई लेके जा रहे हैं गाड़ी, अब धीरे धीरे जाने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसको भी पता ही है फोरमैन को कि भाई सेक रहे हैं गाड़ी, तो कोई चक्कर नहीं है, आराम से जाएंगे। वैसे तो जिसे ऐसा होता है ना, जिसे गाड़ी चलाना आती है उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो दिक्कत उसे होती है जो मतलब अपने देश में या जैसे इंडिया में या कहीं पे उसने चलाई ना हो ना, उसे बड़ी दिक्कत होती है। तो भाई तो बोल रहे हैं कि मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, भाई तो चलाते हैं, तो इन्हें क्या दिक्कत होगी। वो दूसरी गाड़ी में भी थे, वो भी नेपाल से थे, उनको भी आज गाड़ी चलाने दे रहे हैं, वो मतलब गाड़ी चला रहा है भाई वो। अभी भाई को देखते हैं क्या कहते हैं, भाई गियर चेंज कर लो, क्लच दबा के गियर चेंज पीछे को बैठ, बस आराम आराम से जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए भाई, अभी जो लास्ट है वो ये है कि अभी भाई गाड़ी करेंगे बैक, और अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे मतलब जिस जहाँ पे मिट्टी खाली करते हैं ना वहाँ पे, तो अभी भाई बैक करेंगे। घुमा लो भाई गाड़ी, घुमा लो नहीं फंसेगी, घुमा लो, निकल गई। ज़्यादा रंबल में नहीं लेके जानी आपने, है ना, जहाँ पे टायर घूमा है ना उसी पे लेके जानी है बस। अभी शीशे में आप देख लो कि कहाँ पे आपको सेट करना है। हाँ आराम से क्लच छोड़ो और आराम से जाने दो, आराम से, कोई जरूरी नहीं है, आराम से बस सीधा जाने दो, सीधा जैसे जा रही है वैसे ही जाने दो, बस सीधी जाने दो बस। ठीक है, बस दोनों साइड देखते जाओ आराम से, यहाँ पर कोई दिक्कत जल्दबाजी की बात नहीं है, जहाँ पे लगे वहाँ पे खाली कर दो बस, ठीक लगे जाने दो, अभी जाने दो, अभी बहुत दूर है, जाने दो आराम से, जाओ, बहुत दूर है अभी, जाने दो, दोनों साइड देखना है बस, जाने दो, बस कर दो, बस कुछ नहीं होता यहाँ पर, सब कुछ ठीक है अभी। हाँ ये वाला पीछे जा करके करो, दोबारा करो, हाँ अभी इस गियर को डालो,
गियर को चौथा डाल दो, चौथे में ही मतलब जल्दी खाली होती है, और नीचे को दबा दो, क्लच छोड़ दो नीचे का। हाँ नीचे को दबा के छोड़ दो, नीचे को दबा के छोड़ दो। नहीं लग रहा है क्या? हाँ अभी क्लच छोड़ दो, बस अभी खुद ही उठ जाएगा। ठीक है समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ कोई बात नहीं, अभी ये है कि वो बोल देते हैं ना, वो दिखा रहे हैं आपको कि हाँ जाने दो जाने दो, जैसे वो हॉर्न मारेगा ना वैसे ही आप गाड़ी रोक देना। अगर वो मान के चलो कि वहाँ पर भी नहीं है तो जैसे आपका मन करे खाली कर दो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा ना, कि जैसे जैसे आपको पता लगेगा कि मैं कितनी दूर मिट्टी फेंक रहा हूँ, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। ऐसे ये होता है कि जैसे हम बिल्कुल पीछे मिट्टी फेंक रहे हैं ना, बिल्कुल लास्ट में, तो जो ये लोडर वाला है इन्हें दिक्कत नहीं होती, इन्हें धक्का मारने को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम जितनी दूर फेंकेंगे तो इनको ज़्यादा धक्का लगाने पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम बिल्कुल लास्ट में जाके मिट्टी फेंकते हैं। लेकिन आपको ये सोचना नहीं है, आपने अपना देखना है, तो आपको भी कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए कि गाड़ी नीचे ही चली जाए। थोड़ा सा गैप बना के रखो और मिट्टी फेंक दो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात। ओके तो लो भाई गाड़ी चलाना भाई को दिखाई दिया आपको, मैंने बता भी दिया सारा का सारा कुछ, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ऐसा सिस्टम होता है भाई, बहुत बंदे बोलते हैं कि जैसे ही हम कुवैत में आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें गाड़ी चलाने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है। तो आपके सामने ये भाई बिल्कुल नए आए हैं और मेरे पास भाई को आज भेजा है, तो भाई को मैं बता रहा हूँ सारा का सारा कुछ। भाई गाड़ी चलाते हैं, बस ये है कि हल्का सा जैसे मुझे भी हुआ था वैसे भाई को भी हो रहा है, एक दो बस एक दो चक्कर लगाया भाई बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ठीक है वैसे ही मैं भी सेट हो गया था। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि गाड़ी चलाने को भाई सबको मिलता है, सभी को बताते हैं यहाँ पे। हाँ हो गया, अभी पहले उसको ऐसा करो, इसको बंद करो। हाँ नहीं नहीं बिना क्लच से भी हो जाएगा, इसको क्लच दबा लो, इसको बंद करो, गियर निकाल लो और गियर डाल के गियर निकालो, क्लच दबा के अभी गियर डालो पहले। हाँ अभी इसको उठाओ, हाँ नीचे, हाँ अभी जाने के बाद धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे बस अभी ऐसा है कि मिट्टी आराम से खाली हो जाएगा, तो अभी बस अभी और थोड़ा आगे को जाने दो। हाँ अभी आ जाओ, अभी खाली करो, ऊपर को उठाओ अभी ऊपर को, तो भाई सारा का सारा सिस्टम मैंने आपको समझा ही दिया है, भाई को भी सारा कुछ बता दिया है। अभी ऐसा हुआ कि फोरमैन आए थे, जो फोरमैन नहीं था वो इंजीनियर था, इस साइड का इंजीनियर था, तो वो पूछ रहा था कि भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तुम, मतलब काफ़ी टाइम लग गया ना जैसे जैक उठाने के लिए। तब करके मैंने उनको बताया कि नया बंदा आया है, इसे मैं बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ। तब करके वो बोल रहा है कि थोड़ा सा जल्दी सिखाओ, जल्दी बोलो कि जल्दी जल्दी करना है, धीरे धीरे नहीं करना है। थक करके थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सिस्टम है भाई, गाड़ी आपको चलाने को मिलेगी, जैसे मेरे पास बंदा भेजा है, अगर आप नए आते तो आपको भी किसी ना किसी के पास भेजेंगे ही भेजेंगे। ठीक है दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि थोड़ा काम कर ले, इंजीनियर आ चुका है, एंड देन नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ के साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, ताकि जो मेरी वीडियोज़ है आप तक आसानी से पहुंच सके ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, जय श्री।